ये बताते हैं पंडित जी को किसी गांव में बुला लिया सांग के लिए, ये भाई 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। सांग करने खातिर बुला लिया और उस गांव में एक ब्राह्मण था जो काशी जी पढ़कर रहा था, वो अपने ज्ञान में टूट रहा निबला रहे, गांव वाले ने इकट्ठे कर के बुलाया थे निबला, वो लक्ष्मी चंद बुलाया, वो लक्ष्मी चंद चार छोरिया ने घाघरी पर आके चुंदड़ी उड़ा के और वो गोडे टेक के बूढ़िया के सैन मार दिया, सारा गांव टूट के पड़ गया। वो के मैं जाना भी रे डूब के मर जाओ, सारे गांव गाड़िया खड़िया। और ये बताते ना आप सांग देखने जाना, कुणबे ना जान देना, मोहल्ले ना गाड़ दे निबला रे, इसे ना तो बुलाओ जिसने के मैं ज्ञान हो, यो जाने के से यो तो हमने चार छोरे नचाओ है अपनी दाढ़ी का प्रोग्राम कर रहा हो और के जाना भाई। ये बताते हैं पहले दिन सांग होया और उसकी जड़ में एक घेर लाग गया था, जित सांगी डाट रखे थे, पंडित जी डाट रखे था बेड़ा जित, जड़ में एक घेर था, अपना एक तारा ठाक उड़ा बैठा और उड़ा बैठ के एक भजन गावे। आप लोगों ने सुनिया भी होगा कि ब्राह्मण के बेटे वेद का तू अर्थ बता के जाइए, पहले दिन सुन लिया, फिर दूसरे दिन फिर सांग होया, सांझ का वो बेड़ा आके उड़ा डट गया और वो पंडित जी ने फिर पुराबिराले घेर मान दे, फिर एक तारा बजावे, ब्राह्मण के बेटे वेद का तू अर्थ बता के जाइए, सारे साधन दे अपने बोलने बतलाऊ अपनी तैयारी करें। अरे पंडित जी ने बोला सुनियो रे, ने बोले हाँ दादा, बोला तुमने यो सुना ही एक तारे वाला के कहे, बोला दादा यो तो सत्संगी है को रोज सत्संग करे है, ने बोला रे बेकूफ के बच्चे हो सत्संग ना करता, और यो तम न कैसे इसकी बात सुनो, काल भी यो भजन गाओ था, आज भी यो भजन गाओ थे, यो इस मागत तम न कैसे। ये बताते हैं अगले दिन जब सांग होया, पंडित जी ने बोला भाई सांग जब होगा, जब फलाने ब्राह्मण ने बुला लोगे, काशी जी पटकार था जाए ना, निबला रे चाल निबला इसे दो रहता जाए कौन है। बताते समाज ने इकट्ठा होकर दाब दे के उसने ली आए, निबला भाई इसका मुंह डाक हाल दो, मुंह डाक हलवा दिया, निबला पंडित जी कल कल और परसों दो दिन हो गए तू के कह है के सुना हो, निबला ठीक सुना हूं बात तन के बेरा, अरे तू तो अंडा अपना दिहाड़ी करता ज्ञान कड़े है भाई, ज्ञान तो हम न हम काशी जी पटकारे, निबला फिर तू कह था के, निबला मैं तो न्यू कहूं था इन बातों के जवाब दे। ये बताते न्यून तो उसने सवाल करे, न्यू ने पंडित जी ने खड़े पांच जवाब दिए, एक एक बोल सुनना ना सर पर गजा की बात, कैसे क्या कहानी बनती क्या दर्शा। हे रे ब्राह्मण के बेटे वे मन अर्थ बता के जाइए रे, ब्राह्मण के बेटे वेद का मन अर्थ बता के जाइए रे, ब्राह्मण के बेटे वेद का मन अर्थ बता के जाइए, ब्राह्मण के बेटे और ब्रह्म शक्ति ब्रह्म कौन ब्रह्म के बता देगा में, ब्रह्म पुत्र कौन होए उनके तह ग्यारह दे नाम, ब्रह्म से होई ब्रह्म की हत्या तारण के बता देगा में, पांच मारे 25 ठाले 9 दरवाजे खाली रहते एक छोड़े एक खाले, पांच भार सिर के ऊपर दोया ने तकिते न चाले, ओ पांच तत्व के पांच साधिए दस में सुरम गाइए रे, ब्राह्मण के बेटे। Oh,
ब्राह्मण के बेटे वेद कामन अर्थ बता के जाइए। इतनी सुनकर पंडित जी आसन लागे नहीं, बोले पंडित जी जय बता दू फिर के दे निवला भाई जो तू कहे ना वो वाह शर्त मंजूर। निवला किस आगे मेरी बुराई ना करिए, मेरा सांग देखना आ जाया करिए। निवला पक्की बात है, निवला अपने सवालों के जवाब ले। हे रे परसन का उत्तर खोलू सू तू अरे ध्यान उरे में लाइए रे परसन का उत्तर खोलू सू ब्रह्म शक्ति ब्रह्म लोक जिनका धाम ब्रह्म पुत्र बहुत हो गए नौ गुण ब्राह्मणों के नाम आत्मा से ओम रटे हत्या उतरे गीत माम ओए पांच भूत पांच कर्म पांच कर्म करे प्रतिपाल नौ दरवाजे आख्या देखे इन सारे की एक चाल काम क्रोध मद लोभ मोह आशा तृष्णा देन टाल अरे निंदा ईर्ष्या पांच प्राण तू दसवें द्वार ले जाइए रे परसन का उत्तर खोलू सू तू ध्यान उरे में लाइए रे जन्म बता दे बुध का तो और बृहस्पति का गुरु द्वारा चंदा का प्रमाण खोले लिख दिए सब न्यारा न्यारा एक प्रश्न यो भी खोले ब्रह्मा का शर किसने तारा ओ तीन जन्म का श्राप लग्या किसने दिया था दंड कितने हैं ये जल थली और कितने हैं ये ब्रह्मंडी सात द्वीप चौदह भुवन नोते गणा देखने रिद्धि सिद्धि याद करण ने दुनिया लग बस आइए रे ब्राह्मण के बेटे बुद्ध का मन जन्म बता दे बृहस्पति का गुरु द्वारा चंदा का प्रमाण खोल लिख दिए न्यारा न्यारा एक प्रश्न ये भी खोल ब्रह्मा का शर किसने तारे क्या लिखा है क्या दर्शा अरे तारा ने जन्म्या था बुद्धि तारा ने
सरस्वती की नारी थी, संदा पढ़ने जाया करता गुरु पत्नी से यारी थी। शंकर नरेंद्र महावीर गर्दन तीन बार उतारी थी, कलर चूड़ विदुर बना और धर्म पुत्र धरे जन्म तीन। पांडव ने शराप दिया तू पढ़ के देख हुए यकीन, 40 करोड़ जल ब्रह्मंडे सात लोक दीपति। अरे 14 भुवन नो खंड सुन में टेम बहुत सा चाहिए रे पर सतयुग का बयान कर, सतयुग का बयान कर, कितने वर्ष बीते रहने सूरज और चंद्रमा के, सारे ते गणा दे ग्रहण। एक प्रश्न यो भी खोल कौन हो गे चकवे बहने, कितने हैं ये धर्मी कर्मी, कितने हैं ये नारी नरी, कितने हैं ये पशु सारे, कितने हैं ये जलवर, कितने हैं ये पक्षी सारे, कितने हैं ये नभचर, कितने हैं ये जो जन्म मरण में नहीं आवते उनके नाम गणाइए रे ब्राह्मण के बेटे। के सतयुग का बयान कर कितने वर्ष बीते रहें, सूरज और चंद्रमा के सारे तो गणा दे ग्रहण। एक प्रश्न यो भी खोल बा कौन हो गए चकवे बहन। सतयुग की उम्र के बारे में पूछा, देखना 4 युगों से एक चतुर्युगी बनती, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग 17,28,000 साल का सतयुग, 12,96,000 साल का त्रेता युग, 8,64,000 वर्ष ये उम्र द्वापर की और 4,32,000 साल का ये कलयुग। और अब तक 5,500 साल 5,500 वर्ष कलयुग के बीते। आज भी भागवत में लिखा जब मात्र 20,000 साल इस कलयुग के रह जाएंगे, देवता लोग स्थान छोड़ जाएंगे, उससे पहले गौ माता खत्म हो लेगी। और जब 10,000 साल बाकी रह जाएंगे, ये बताते हैं गंगा का नीर सूख जाएगा, गंगा वापस देवलोक चली जाएगी, इस धरती पर नहीं रहेगी। और जब इस कलयुग के 5,000 साल बाकी रह जाएंगे, ये जो स्थान देवता हैं, ग्राम देवता है, हमारे जैसे बाबा जगन्नाथ, बाबा छोटू नाथ, किसी का चमटेवाला, किसी का सांकड़ीवाला, यो सारा बचेगा। 10,000 साल जब बाकी रह जाएंगे, यो सारा भी नहीं रहेगा, ये भी चले जाएंगे जब वर्ण ब्याह होगी। क्या दर्शाया, क्या लिखा, ये 17,28,000 17,00,000 ये साल सतयुग के कितने होए जोड़ लाले, दन छिपे उग के बैन थे प्रतापीर राजा, चकवे बैन युग के देखना। जनसंख्या पूछी कितने,
सारे पूछे, लगभग 85 साल पुराना वजन है। उस टाइम पर 300 करोड़ जनता थी सारे विश्व की, सारे संसार की। आज 725 करोड़ के आसपास, उस टाइम दादा ने 300 करोड़ बता रखी। 725 करोड़ बसे नर नारी, अरे अन्न खाने जल पीने से 33 करोड़ रहे वान छित, मरने और जीने से जल चरण अवसर बने ये सारे कर्म के करीने से। बड़ चांद सूरज पछा पृथ्वी की, जब जब ग्रहण कहिए रे पर सन का उत्तर। और आँख मात नीर काड, आँख मात और पैदा तो किया था लाले, नरकी तनारी बन गई ये भी हो गए गजब कमाल। दो पुत्र पैदा हो गए उनका भी सुना दे हाल, दो पुत्र हाथ मारे लाल को उठाया किसने, एक प्रश्न यो भी खोले काल को खिलाया किसने, एक उत्तर यो भी दे दे गर्द में मिलाया किसने। ओ लक्ष्मी चंद तू खड़िया तकत पे, अलग अलग तरसाई रे ब्राह्मण के बेटे। आंख मात नीर काड, पैदा तो किया था लाल, नर की तो नारी होगी ये भी होगे गजब कमाल। दो पुत्र पैदा हुए उनका भी सुना दे हाल, गाम गैल पाग रहेगा दे के बजनी ने घेरेगा। दो चार सवाल के तो नु कहा नहीं बता, सुदामा है बाबुआ के नाम था, आज ताई वो ही नहीं पा लिया कि दे के नु कहा नहीं बता, बाली की माँ का के नाम था। आड़ पंडित जी ने इस भजन में खोलिया, ब्रह्मा जी की आंखों से ऋषराज का जन्म होता। और बताते हैं जनाने तालाब में गलती से नहाया, स्वरूप बदल गया, नारी का स्वरूप हो गया। और बाली सुग्रीव सगे भाई माजाए भाई एक माँ से पैदा हुए, बाप दो थे। एक रोज इंद्र भगवान के और ऋषराज की जब मुलाकात हुई, उनके मिलन से बाली का जन्म होता। और सूर्य भगवान और ऋषराज के मिलन से सुकंठ पैदा हुआ, जिसका नाम सुग्रीव पड़ा। क्या दर्शाया, क्या लिखा, ख्यात हो गया ऋषराज बलवान, नाने से बनी थी नारी, कर ले ने उरे न कान, बाली और सुग्रीव देखे करता हूँ ये व्याख्यान। इंद्र अंशी बाली सूरज पुत्र तो शकुंठ ने, रावण ने खिलाया काल, छोड़ अंत संत ने, ज्ञानी तो ले समझ बात ने, के समझाऊं लंथ ने। और लक्ष्मी चंद तो डकरे ते दंगल पद में गई रे